Hi, welcome to my channel. Is going to solve current question number 3. Construct a quadrilateral XYZW in which XY is equal to 5 cm, YZ is equal to 6 cm, ZW is equal to 7 cm, YWX is equal to 3 cm and XZ is equal to 9 cm. सबसे पहले हम एक रफ डायग्राम ड्रा कर लेंगे. ओके, तो हमने यहाँ पर लेवल कर लिया है. अब क्या करना है कि इसका हम बनाएंगे एक क्वाड्रिलेटरल XYZW, इसका रियल का फॉर्मेशन. सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फोर साइड्स दे दिया है और एक डायगनल भी दे दिया है, तो आप किसी एक साइड से स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आप ये डायगनल से स्टार्ट कर सकते हैं. तो मैं यहाँ पर इस वीडियो में डायगनल से स्टार्ट करता हूँ. एक्स जेड पहले मैं ड्रा करूँगा 9 सेंटीमीटर, ठीक है. ओके, तो मैंने 9 सेंटीमीटर का एक्स जेड ड्रा कर लिया है. अब देखिए एक्स को सेंटर मान करके और 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर खींचेंगे और जेड को सेंटर मान करके 7 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक दूसरा आर खींचेंगे, जो दोनों आर्क जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे डब्ल्यू पर, ठीक है. तो हमने यहां पर डब्ल्यू जो है पॉइंट फाइंड कर लिया है, इसको हम डिनोट कर लेते हैं डब्ल्यू. अब ज्वाइन कर देंगे एक्स डब्ल्यू को और जेड डब्ल्यू को. ओके, अब फिर से जो क्या करेंगे कि एक्स को सेंटर मान करके और 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर खींचेंगे और जेड को भी सेंटर मान करके और 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के एक आर खींचेंगे, जो यहाँ पर जो 5 सेंटीमीटर का आर खींचा गया था उसको कट करेगा और जो पॉइंट मिलेगा वो वाई मिलेगा, ठीक है. दोनों आर्क यहां पर इंटरसेक्ट किए हैं तो ये आपको पॉइंट है वाई, ठीक है. अब एक्स वाई एंड जेड वाई को ज्वाइन कर लेंगे. ओके, दिस इज योर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल एक्स वाई जेड डब्ल्यू हमने यहां पर कंस्ट्रक्ट कर लिया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.